प्लास्टिक इज अ पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल एंड व्हेन बर्न इट्स लाइक एनी अदर फॉसिल फ्यूल इट रिलीजेस क्लाइमेट पॉल्यूशन दिस इन टर्न लीड्स टू राइजिंग सी लेवल इंक्रीज्ड ओशन एंड एयर टॉक्सिसिटी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ एंड अदर मरीन लाइफ। सर हमने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें हमने घर से निकलने वाले रास्ते पर रहने वाले कुछ वेस्ट प्लास्टिक के टुकड़े स्टील से बने कंटेनर में डाले हैं जिसको हम हीट करेंगे। प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट 170 डिग्री सेल्सियस है और पॉलीसिन प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट 100 टू 120 डिग्री सेल्सियस है जो कि पायरोलिसिस के प्रोसेस के जरिए हीट किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन फ्री होती है जो मेल्ट होकर जब हाई टेम्प पर बॉइल होता है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो वेपर्स इस डिस्टिलेशन ट्यूब से होकर गुजरती है। डिस्टिलेशन ट्यूब को हमने एक इनलेट पानी का फ्लो दिया और एक आउटलेट पानी का फ्लो दिया है जो ठंडे पानी का फ्लो शुरू रखता है। जैसे कि हम जानते हैं प्लास्टिक एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है पीईटी यानी पॉलीइथिलीन टेराफ्थेलेट जो कि किसमें कन्वर्ट होता है डीएमटी यानी डाइमिथाइल टेराफ्थेलेट गैसोलीन एंड फ्यूल कार्बन 7 कार्बन 8 हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो रहा है ये फ्यूल है। इस फ्यूल को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले इस सिटी के लिए वेस्ट प्लास्टिक से भी फ्री किया और दूसरी तरफ हमने इसी सिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व की। इससे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम होता है और सबसे बड़ा बेनिफिट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन्वायरमेंट से कम होता है।